साइंस क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जैसा कि हर एनसीईआरटी किताब में पहले एक छोटी सी स्टोरी होती है, इस स्टोरी के बाद में आप मेन टॉपिक पर जाते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब क्या होता है, आप पहले बच्चों को एग्जाम्पल दोगे, उनको सोचने पर मजबूर करोगे, फिर जब वो क्रियोसिटी उनके अंदर आ जाएगी तब उस चीज़ को बताओगे, तो उसे बोलते हैं इंडक्टिव। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कहीं पर लिखना नहीं है, बस बताने के लिए बताया था। तो देखो बेटा, इसमें पहेलू और भूजू नाम के दो बच्चे हैं। तो पहेलू जो है वो अपने अंकल के घर जाता है, कब, गर्मियों के टाइम पर। ठीक है, यानी जब तुम्हारी छुट्टियां पड़ती है ना गर्मियों वाली, तो वो अपने अंकल के घर पे जाता है। उसके अंकल एक फार्मर है, तो उन्होंने एक दिन क्या करा, उसने एक दिन एक टूल देखा, उस टूल का नाम क्या था, खुरपी। और भी टूल्स थे, सिक्कल, सोवल, प्लाव, जो मतलब खेती में यूज़ होते हैं, वो सारे टूल्स उन्होंने फील्ड में देखे थे। एक इमोजी सा बना हुआ है, ये इमोजी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो ये रहा बना हुआ है ना। ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से और कैसे ये टूल बनते हैं। तो ये प्रियांशु है, प्रियांशु सोच रहा है कि ये टूल्स कैसे बनते हैं। तो उसके साथ में एक लड़की है जिसका नाम है सोनल, वो बोल रही है, ठीक है ना, ये बाद में बोलेगी, पर अभी केवल उस लड़के ने बोला है, पहले लड़के के क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि उसने जो पूछा है कि ये टूल्स कैसे बनते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जीने के लिए खाना चाहिए होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, खाने अपनी रिक्वायरमेंट अपने पेट को भरने के लिए। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ये आप छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये अंडरलाइन कर लो, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। ठीक है, अगर आपने ग्रीन प्लांट के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने आपने देखा होगा ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल में अगर आप ह्यूमंस की बात करोगे तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसको भी अंडरलाइन करो, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो अब हमें देखना है कि अब जब प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं तो वो तो अपना पेट भर लेते होंगे, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो उनके पास खाना कहाँ से आता है, वो कैसे अपना पेट भरते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम वाई डू वी ईट हैव टू ईट फूड, हमें खाना खाना ही क्यों है, हम क्यों खाएं खाना, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हो कि हमें हर काम करने के लिए क्या चाहिए, हमें हर काम को करने के लिए चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी हमें कौन देता है, वो एनर्जी हमें फूड देता है। और फूड जब हम खाना खाते हैं तो हमारी फूड का जो हमारी बॉडी में जाता है तो वो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरता है, इंजेशन होता है, ठीक है ना, डाइजेशन होता है, ठीक है, ऐसे आपका एसिमिलेशन होता है, फिर आपका एक्सक्रिएशन होता है, बहुत सारी प्रोसेस से वो गुजरता है, एक्सक्रिएशन होता है। तो फूड जो होता है, हम ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो फूड आपको प्लांट से भी मिलता है और हाँ फूड आपको एनिमल से भी मिलता है, दोनों से भी मिलता है। यानी ऐसे बहुत से जानवर या ह्यूमन बींग्स हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, जो शाकाहारी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मांस मच्छी खाते हैं, केवल और केवल एनिमल्स और ह्यूमन बींग दोनों की बात कर रहे हैं। और वो जो दोनों खाते हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग आते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ये तीनों ही चीज़ें हमारे फूड का काम करती हैं। तो दोबारा से देखो, दोबारा से प्रियांशु आता है और फिर से वो अपनी बुद्धि चलाता है और फिर से सोचता है एक और क्वेश्चन, उसमें बोलता है सिंस वी ऑल नीड फूड, जब हम सबको खाने की ज़रूरत है तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर, तो इतने सारे लोगों के लिए खाना आएगा कहाँ से। भाई सबको खाना चाहिए, पॉपुलेशन तो इतनी सारी है, तो इतने सारे लोगों के लिए हम खाना कहाँ से लाएंगे, बड़ी चिंता में है प्रियांशु। पर सोनल बहुत इंटेलिजेंट है, सोनल ने बोला प्रियांशु तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं बताती हूँ खाना कहाँ से आएगा। तो सोनल कहती है देखो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा लोग हैं तो हम ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करेंगे, हम खाना पहले 2 किलो बनाते थे तो अब हम खाना 4 किलो बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, सबका पेट भर जाएगा। तो सोनल ने ये आइडिया प्रियांशु को दिया, ठीक है। अब देखो, अब इस ऑर्डर में कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड कराना है तो हमें प्रोडक्शन भी रेगुलर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमने आज खेती कर ली कल छुट्टी कर दी, है ना, और या फिर तो अगले साल हमने खेती नहीं करी तो अगले साल वाले लोग क्या खाएंगे। तो उसका मतलब है कि ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके लिए प्रोडक्शन भी हमें डेली ही करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, यानी खेती खेत में की जाएगी, वहाँ से खेतीवाड़ी को निकाला जाएगा, उसको स्टोर भी करके रखा जाएगा जिससे कि अगली साल नहीं हो पाई तो वो काम आ पाए, और उसका मैनेजमेंट भी किया जाएगा, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में दे दी जाए, ठीक है, तो ये सारे काम भी करने पड़ेंगे। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं, ये देखो जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसको अच्छे से ध्यान से देखो,
बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। बॉक्स में वो कह रहा है कि 10,000 BC से लगातार 10,000 BCE के टाइम पे अगर हम देखें तो हम लोग नोमैडिक थे, हमें खेती करनी नहीं आती थी, ठीक है, हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। तो हम लोग नोमैडिक थे, हम अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे, उन्हें खिलाते पिलाते थे, जो जानवर से हमें फूड कंटेंट मिलता है उसी को हम लोग खाते थे। हमने एक जगह से दूसरी जगह, नोमैडिक मतलब समझ रहे हो, नोमैडिक मतलब बेटा वो लोग होते हैं जो कहीं स्थिर नहीं रहते, वो अपने जानवरों को लेकर के चलते रहते हैं, जहाँ पे घास होती है वहाँ खिला देते हैं, फिर जब वहाँ से घास ख़त्म हो जाती है दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे वो घूमते फिरते रहते हैं, उनको नोमैडिक कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें खाना और रहने के लिए चाहिए होता है। तो एक जगह से जब खाना उनके जानवर के लिए ख़त्म हो गया तो फिर वो वहाँ पे कैसे रहेंगे, जानवर भूखे मर जाएंगे तो वो भी भूखे मर जाएंगे, तो इनको नोमैडिक्स कहते हैं। तो उनको मिलता क्या है, वो अगर उन्हें कहीं वहाँ पर रहते हैं जंगल में तो जंगल के फ्रूट्स खा लेते हैं, वेजिटेबल्स खा लेते हैं, एनिमल्स को हंट करके फूड के रूप में खा लेते हैं, है ना, लैंड कल्टीवेट करते हैं, राइस, वीट और भी बहुत सारी फूड जो ग्रुप्स हैं उन सबको कल्टीवेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें कल्टीवेशन की जो होती है उनको क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीकल्चर, जो खेती होती है, चावल उगाना, गेहूँ उगाना, बारले उगाना, कुछ भी तुम उगा रहे हो खेत के अंदर, वहीं पर रह रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो, उसे बड़े होने के बाद उनको निकाल के उन्हें खाने के लिए यूज़ कर रहे हो, ये सब आपको किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। अगर आपने एक ही प्रकार की क्रॉप को, एक ही प्लेस पर लगाया है, वो भी लार्ज स्केल पर लगाया है, तो उसे क्रॉप कहते हैं। अंडरलाइन कर लो, क्रॉप की डेफिनेशन मैं पूछूंगी कल सभी से, याद करके आनी है, ठीक है। मैं पूछूंगी व्हाट इज क्रॉप, तो आप क्रॉप में क्या बोलेंगे, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब हम एक ही प्रकार के प्लांट को एक बड़े स्केल पर एक लैंड के अंदर कल्टीवेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। लार्ज स्केल पर एक ही प्लेस पर एक ही प्रकार की क्रॉप को बड़ी जगह पर जब हम कल्टीवेट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा क्रॉप होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे तुमने गेहूं का खेत देखा, ऐसा तो होता नहीं एक क्यारी में गेहूं है एक क्यारी में मटर है, ऐसा नहीं होता है, बड़े से खेत पर गेहूं गेहूं बस होता है, तो वो क्या होती है बेटा, आपकी क्रॉप होती है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्रॉप अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ होती है सीरियल्स, कुछ होती है वेजिटेबल जिनमें आपका बैंगन आलू टमाटर ये सब आते हैं, कुछ होते हैं फ्रूट्स हैं, तो ये सारी क्रॉप ही पर अलग अलग टाइप की हैं, ठीक है। तो सीजन के बेसिस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ज्योग्राफिकल कंटेंट में भी हर जगह का क्लाइमेट अलग है। क्लाइमेट में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हर जगह का टेम्परेचर अलग है, हर जगह की टेम्परेचर मतलब कहीं पे ज़्यादा गर्मी है तो कहीं ज़्यादा ठंडी है, तो हर क्रॉप गर्मी में नहीं हो सकती, हर क्रॉप ठंडी में नहीं हो सकती, तो जो गर्मी में होती है उसे गर्मी वाले इलाके में उगाते हैं, जो ठंडी में होती है ठंडी वाले इलाके में उगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ह्यूमिडिटी अलग है, बारिश अलग अलग हो रही है, किसी को क्रॉप को बारिश कम चाहिए तो किसको कम बारिश वाले इलाके में लगाते हैं, किसी को ज़्यादा बारिश चाहिए तो ज़्यादा बारिश वाले इलाके में लगाते हैं। तो अगर हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो हमें उसी के हिसाब से क्रॉप को लगानी पड़ेगी। तो उसी वजह से हमने अपने सीजन को तीन टाइप के सीजन्स में डिवाइड कर दिया है, जिन जिन सीज़न में जिस जिस प्रकार की क्रॉप होती है उसी हिसाब से हमने उस सीज़न को वही नाम दे दिया है। तो क्रॉप की डेफिनेशन याद हो गई होगी, एक ही जगह पर एक ही प्रकार की क्रॉप को बड़े स्केल पर लगाना आपकी क्रॉप होती है। अब क्रॉप के आपके तीन पैटर्न हैं, ये क्रॉप के टाइप नहीं, हम इनको क्रॉप के पैटर्न कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉप के टाइप तो वो थे जो वेजिटेबल फ्रूट्स और सीरियल्स बताए थे, ये क्रॉप के पैटर्न है जो आपको याद रखने हैं, तीनों के तीनों, तीनों के एग्जांपल्स याद रखने हैं, तीनों में कब खेती बोई जाती है कब काटी जाती है ये याद रखना है। पहला है आपका खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आपकी ऐसी क्रॉप होती है जिसको आप रेनी सीजन में क्या करते हो, बोते हो। कब होते हो, रेनी सीजन में। तो बारिश के मौसम में जो क्रॉप को बोया जाता है वो क्रॉप आपकी खरीफ सीजन होती है। और अगर देखें तो आपको याद क्या करना है, आप इसमें अंडरलाइन करिए, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। इसका मतलब जो क्रॉप जून से लेकर सेप्टेम्बर के बीच में ख़त्म हो जाए, यानी जून जुलाई में उसे बोया जाए और सेप्टेम्बर अक्टूबर में उसे काट लिया जाए, वो क्रॉप आपकी खरीफ क्रॉप होती है। ये आपकी गर्मियों की क्रॉप्स होती हैं जिनको हम जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, वो क्रॉप आपकी खरीफ क्रॉप होती हैं। एग्जांपल आपको 100% याद रखनी है, एग्जांपल के ही MCQ आएंगे कि ये कौन सी क्रॉप है, ये कौन सी क्रॉप है, वो ये तो कम ही पूछेगा क्योंकि ये तो तुम्हें याद हो ही गया कि रेनी सीजन में होने वाली क्रॉप खरीफ क्रॉप होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, पैडी आपकी खरीफ क्रॉप है, मेज़ आपकी खरीफ क्रॉप है, सोयाबीन आपकी खरीफ क्रॉप है, ग्राउंडनट आपकी खरीफ क्रॉप है, कॉटन है, ये सब खरीफ क्रॉप है। कॉटन तो याद हो जाए, गर्मी के मौसम में ही होती है। आपको याद रखना है चावल, ठीक है, मेज़ याद रखनी, मेज़ इसमें आपके बाजरा वगैरह आ जाते हैं, ज्वार बाजरा। उसके बाद में सोयाबीन याद रखना है, ग्राउंडनट याद रखना है और कॉटन याद रखनी है। दूसरी क्रॉप है आपकी रबी क्रॉप। रबी क्रॉप आपकी ऐसी क्रॉप होती है जिसको हम सर्दियों के मौसम में लगाते हैं, तो जिसको गर्मियों बारिश वाले मौसम में लगा रेनी सीजन में दैट इज़ खरीफ क्रॉप। और अगर आप इसको ग्रोन कर रहे हैं, सोन कर रहे हैं आप विंटर सीजन में, तो दैट इज़ रबी क्रॉप, यानी कि आप इसे अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे और फरवरी मार्च में आप इसको काट लेंगे।
इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है? वीट आती है बेटा, ग्राम आता है, पी आती है, मस्टर्ड आती है, लिनसीड आती है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्रॉप सीजन है। एक और होता है जायद, जो आपकी किताब में मेंशन नहीं कर रखा है। अब क्रॉप की प्रैक्टिस करने की क्या, अब फिर से प्रियांशु आ जाता है। प्रियांशु बहुत दिमाग चलाता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। प्रियांशु फिर से क्या बोलता है कि हम पैडी क्रॉप को विंटर में क्यों नहीं कर सकते भाई? ऐसी क्या दिक्कत है कि हम पैडी क्रॉप को विंटर में नहीं कर सकते? मैं तो करूँगा विंटर में अपनी पैडी क्रॉप को। फिर सोनल बोलती है, अरे प्रियांशु तू इतना होशियार नहीं है, तू मेरी बात सुन। क्या बोलती है सोनल? सोनल बोलती है, देख भाई जो पैडी क्रॉप है उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना? तो रैनी सी पानी सबसे ज़्यादा कम मिलेगा। क्या तुझे सर्दियों में पानी मिलता है? इतना नहीं मिलता ना। पानी कम मिलता है तुझे? पानी मिलता है बारिश के मौसम में। तो जब बारिश के मौसम में पानी मिल रहा है तो तू बारिश के मौसम में ही तो आएगा। और अगर तू पागल बनना चाहता है तो तू वाले सर्दियों के मौसम में पानी मिलेगा नहीं, तेरी क्रॉप बड़ी होगी नहीं, और तू फिर वैसे ही परेशान रहेगा ना, तेरे के पास चावल आएंगे और तेरा सब बर्बाद हो जाएगा। तो तू बर्बाद नहीं होना चाहता ना, तो इसका मतलब क्या है कि तू तभी उस क्रॉप को उगा जिसकी उसकी ज़रूरत है। अगर उस क्रॉप को पानी की ज़रूरत है तो उस इलाके में जब उगा, जब पानी बहुत होता है। इसी वजह से हम पैडी को कब उगाते हैं? इसी वजह से हम पैडी को बारिश वाले मौसम में उगाते हैं और उसको हम सर्दियों या किसी और मौसम में नहीं उगाते। अब प्रियांशु समझ में आया? आ गया प्रियांशु को समझ में, सोनल ने सब समझा दिया। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि फार्मर जो होता है कौन से टाइम पे क्रॉप ग्रो कर रहा है, कौन से टाइम पे काट रहा है, कौन से टाइम पे वो देख रहा है, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? फार्मर की एक्टिविटीज़ में आती हैं, जो वो क्रॉप के गोने से लेकर के बोने के बाद में उसे काटने तक पूरा एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है ना? आगे देखते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो करता है। तो ये एक्टिविटीज़ आपको याद रखनी है, ओके? आपको ये याद रखनी है, ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं आपको। मैं पूछूंगी विच टाइप ऑफ एक्टिविटी फार्मर ग्रोन ड्यूरिंग देयर कल्टीवेशन प्रोसेस, तो आपको ये स्टेप बाय सब बोलनी है। आपको क्या बोलना है? पहले वो मिट्टी को प्रिपेयर करता है, फिर उसके बाद में वो क्या, मिट्टी को प्रिपेयर करने का मतलब क्या, पहले वो अपनी सॉइल को प्रिपेयर करेगा, उसके बाद वो सोइंग करेगा, बोएगा, उसके बाद वो उस पर खेती में फर्टिलाइजर और मैनुअर डालेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, इरीगेशन करेगा, सिंचाई करे, पानी देगा, उसके बाद वो उसमें जो भी अनवांटेड चीज़ें करके आ गई हैं, जो भी घास फूस उग के आ गई है उस सबको हटाएगा, प्रोटेक्ट करेगा वीड्स से, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स। उसके बाद वो अपनी फसल को काटेगा और फिर उसके काटने के बाद उसको क्या करेगा बेटा, वो स्टोर करेगा। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है? उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो अब इसके हर स्टेप को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बेटा हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपका पहला स्टेप क्या होता है कि आपको क्रॉप को ग्रो करने से पहले, सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी को उस तरीके से बना लेना है कि तुम उसमें बीज डाल पाओ। ऐसा तो नहीं कि एकदम सुखड़ी हुई मिट्टी है, एकदम ठोस मिट्टी है, तुम बीज ऊपर से पटक के आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है, क्रॉप बोने से पहले आप सॉइल को प्रिपेयर करिए। इसमें आपका इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि आपकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप उसको लूज़ करिए, हल के माध्यम से आप मिट्टी को लूज़ करिए, और जिससे कि जो अगर आपकी आप जो बीज डालेंगे उससे जो प्लांट की रूट बनेंगी वो अंदर मिट्टी तक पेनिट्रेट हो पाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं, अगर हमने उसको थोड़ा मिट्टी को हल्का कर लिया है तो जो हमने पेड़ लगाया है उस पेड़ की जो जड़ें हैं वो अंदर मिट्टी तक जाएं, इसके लिए करते हैं, ठीक है ना? उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, अब उसमें मिट्टी में जब वो चली जाएंगी तो जो रूट्स हैं उन्हें ब्रीथिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी मिट्टी तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगी और अंदर तक जा भी नहीं पाएंगी। तो जितने अंदर तक डीप तक अगर वो रूट्स जाएंगी तो उन्हें ब्रीथिंग करने में क्या होगी, आसानी होगी, तो उसकी ग्रोथ प्लांट की अच्छी होगी, ठीक है? तो मिट्टी के लूज़ होने से क्या होता है, प्लांट को, दूसरी बात अगर मिट्टी को लूज़ करने में एक आपके इंसेक्ट है जो आपको मदद करते हैं, वो कौन है बेटा, आपके अर्थवर्म और माइक्रोब्स। ये अर्थवर्म और माइक्रोब जो हैं ये आपके मिट्टी में पाए जाते हैं और ये मिट्टी को लूज़ करने में मदद करते हैं, ठीक है? तो ये अर्थवर्म जो होता है ये फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है, क्योंकि ये फार्मर की हेल्प करता है, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मदद करता है। देखो लिखा भी है, इसे क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये मिट्टी को लूज़ करने में, ह्यूमस को ऐड करने में उसके अंदर एक फार्मर की हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है, फर्स्ट वन लूजेज द सॉइल, सेकंड वन एडेड द ह्यूमस, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस क्लास है इसमें सॉइल में आपने देखा था कि सॉइल के अंदर बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। मिट्टी के अंदर पानी होता है, मिट्टी के अंदर एयर होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर हम डेड प्लांट या डेड एनिमल्स को अपनी मिट्टी के अंदर डिकम्पोज कर देते हैं तो कुछ वही डेड प्लांट्स कुछ टाइम के बाद जाकर के न्यूट्रिएंट्स में बदल जाते हैं और हमारी मिट्टी को क्या बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा प्लांट क्या होगा, जल्दी ग्रो करेगा,
ठीक है ना, और कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर टॉप लेयर ऑफ सॉइल आती है जो प्लांट को ग्रोथ में मदद करती है। जो प्लांट सॉइल होती है बेटा, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे एंड वाला जो पार्ट होता है वो केवल और केवल क्या करता है, सॉइल जो आपकी रूट्स है उसको अपने आप पे होल्ड करके रखता है और आपकी ब्रीथिंग मदद कराता है। ऊपर वाले पार्ट में तो कुछ होता नहीं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की जो थोड़े बहुत सेंटीमीटर दूर होती है वो मदद करती है प्लांट को ग्रोथ करने में, ठीक है ना। तो सॉइल में अगर जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उसका मतलब क्या है, प्लांट के अंदर उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, और प्लांट के अंदर जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे प्लांट उतना ही क्या बनेगा, हेल्दी बनेगा। और आपकी सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, कल्टीवेशन और क्रॉप में। आपकी मिट्टी जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी, आपकी खेती उतनी ही अच्छी होगी, आपका प्लांट उतना ही ग्रो करेगा। तो जो ये आपकी जो प्रोसेस है ना, जिसकी मदद से आप लूज करते हो अपनी मिट्टी को, इस प्रोसेस को आप टिलिंग या प्लाउइंग कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लें, ये आपको याद करना है। क्या याद करना है, मैं पूछूंगी व्हाट इज टिलिंग और व्हाट इज प्लाउइंग, तो आप लोगों को क्या बोलना है, व्हाट इज टिलिंग और व्हाट इज प्लाउइंग में, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग। वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम मिट्टी को क्या करते हैं, लूज करते हैं, उसकी टिलिंग करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम प्लाउइंग या टिलिंग, ठीक है। ये हम एक हल की मदद से करते हैं, उस हल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लाव बोलते हैं। वो जो हल होता है वो लकड़ी का बना हुआ भी हो सकता है और आयरन का बना हुआ भी हो सकता है। ये मिट्टी को ड्राई कर देता है। अगर हम अपनी मिट्टी को लूज़ कर देंगे तो उसमें पानी इजीली पोरस हो जाएगा, वो अंदर तक चला जाएगा। तो जो पानी होता है जब प्लाउइंग की मदद से अंदर तक चला जाता है, तो जो प्लाउइंग वाला फील्ड होता है आपका, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जब वो बड़े बड़े क्लम्प्स बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। अंडरलाइन करिए, द प्लाउइंग फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स। मैं पूछूंगी क्रम्स क्या है, तो आपको यही रखना है, इसलिए क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े डेले बन जाते हैं, उन डेलों को तोड़ना जरूरी होता है। जब उनको ब्रेक कर देते हैं तो मिट्टी इजीली क्या कर लेती है, सोइंग के लिए इरिगेट हो जाती है। हम उसे इरिगेशन भी अच्छे से कर सकते हैं, और इसकी मदद से हमारी जो सॉइल है वो हमें लेवलर करने में मदद करती है, यानी सॉइल को हम क्या कर लेते हैं, एकदम बैलेंस में कर लेते हैं, जिससे कि उसमें क्रॉप ऐसा ना ऊंची नीची सी रहे, तो क्रॉप को होने में दिक्कत हो। तो जो मैनुअर है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर मैनुअर डालते हैं, है ना, खाद डालते हैं टिलिंग करने के बाद में, ठीक है। टेलिंग करने से पहले हम उसमें क्या डालते हैं, मैनुअर डालते हैं। उसके बाद उसमें जब मिक्सचर हो जाता है अच्छे तरीके से मैनुअर का मिट्टी के अंदर, तब उसके बाद सोइंग करने से पहले उस मिट्टी में एक बार और पानी लगा देते हैं, उसको एक बार मॉइस्चर दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, प्रोसेस थी। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स में क्या है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में क्या है, जब आप बीज को बोते हो तो बीज को बोने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो सॉइल क्लम्स हैं उनको क्या कर लो, ब्रेक कर लो। मिट्टी के अंदर जो भी बड़े बड़े डेले बने हुए हैं ना, उन डेलों को तोड़ लो, जिससे कि आपकी जो फसल उगकर के आएगी, यील्ड मतलब क्या होता है, जैसे आपने गेहूं की खेती करी तो गेहूं आपका यील्ड है, ठीक है। अगर आपने किसी और चीज़ खेती करी तो उससे जो आपको प्राप्त हो रहा है वो आपका क्या है, वो आपका यील्ड है। तो उस यील्ड को अच्छा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीज को बोने से पहले मिट्टी में जितने भी बड़े बड़े डेले हैं उन सबको तोड़ तोड़ के क्या करना पड़ेगा, उन्हें छोटा करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा। ये हम कैसे करते हैं, ये हम टूल्स की मदद से करते हैं, बहुत सारे टूल्स को यूज़ करके करते हैं। तो जो टूल्स होता है इसके अंदर वो किस पर्पस के लिए होता है, प्लाव के लिए होता है। प्लाव की मदद से हम कर सकते हैं, है ना, हल की मदद से हम कर सकते हैं, मैंने भी बताया कुल्हाड़ी वगैरह जो होज होते हैं और कल्टीवेटर जो होते हैं, इन सब की मदद से अपनी मिट्टी को लूज करते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर इजीली क्या कर पाए, मिट्टी पोरस हो पाए और उसके अंदर में बेटर यील्ड हमें प्राप्त हो पाए। ये देखो, ये हल की माध्यम, ये पहले हल ऐसे होते थे, बैल के माध्यम से चलते थे, ये कर क्या रहा है, ये मिट्टी को अपनी को खोद रहा है, जिससे कि वो लूज हो जाए और जो क्लम्स उसके अंदर है वो सब के सब ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो प्लाव आपका क्या होता है, प्लाव आपका बहुत टाइम से, एंशियंट टाइम से हम प्लाव को यूज़ करते हुए आ रहे हैं अपनी सॉइल की टिलिंग करने के लिए, उसके अंदर फर्टिलाइज़र को मिक्स करने के लिए, उसके अंदर से वीड्स को रिमूव करने के लिए और अपनी सॉइल को टर्न करने के लिए। प्लाव का यूज़ क्या होता है, मैं पूछूंगी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लाव, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, ठीक है। ये सब काम करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने प्लाव का यूज़ करते हैं। ये या तो लकड़ी का बना हुआ होता है, ठीक है ना, तो उसके बाद तो आप देखिए अब क्या यूज़ करते थे, वुड यूज़ करते थे। वुड को क्या करते थे, जो बुल होते हैं ना, बुल उनके कंधे पर डाल देते थे और पीछे से हल बांध देते थे। जैसे जैसे बुल चलता जाता था, हल चलता जाता था और हल पूरे मिट्टी को क्या कर देता था, खोद देता था, ठीक है। या हॉर्स का यूज़ करते थे या कैमल्स का भी यूज़ कर लेते थे। एक ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप बन गई, उसे अगर हमने ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप मतलब समझो ऐसे इस तरीके से एक ऐसी स्ट्रिप बन गई जो बहुत ज़्यादा पैनी टाइप की होती थी, जिससे कि तुम इजीली उसको क्या कर पाओ, प्लाव कर पाओ, ठीक है। तो उसके बाद देखो उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं प्लाव शाफ्ट। तो जो मेन पार्ट होता है ना प्लाव का, जो एक लंबी सी लकड़ी से कनेक्ट होता है, लोहे का बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाव शेड बोलते हैं, ठीक है ना। एक हैंडल टाइप का होता है जिसका एक शाफ्ट की तरफ एंड होता है और दूसरा जो एंड होता है वो उसका बीम्स की तरफ होता है, जिसकी जो कि पुल्स की नेक के अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो एक पेयर बुल का क्या होता है, जिसको मैन इजीली ऑपरेट करता है, और दूसरा पुल आपके जो बुल है उसकी नेक पर लगा हुआ रहता है, ठीक है।
जो इंडिजीनियस गुड होते हैं ना वो आपके पुलाव बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अब आयरन की जगह पे, अब पहले जो लकड़ी वाले यूज़ होते थे उनकी जगह पे अब आयरन वाले यूज़ होने हैं। अब आज के टाइम पे लोग लकड़ी वाले हल यूज़ ना करके कौन से यूज़ कर रहे हैं, आयरन वाले। और हल तो अब यूज़ ही नहीं हो रहे, ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं, ट्रैक्टर की मदद से कर रहे हैं। पर अब फिर भी लकड़ी वाले की जगह पे किसको रिप्लेस कर दिया है, आयरन को रिप्लेस कर दिया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, जो जो मैंने अंडरलाइन करने के लिए बोला है वो आपको अंडरलाइन करी हुई चीज़ें अच्छे से याद करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है।